Hey, what's up guys? मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ही हाई क्वालिटी के अंदर अपने रील्स अपलोड कर सकते हैं। गाइस, बेसिकली होता क्या है, हमारी रील्स हम रिकॉर्ड तो करते हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर है, बट क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे हमारे अलावा और भी बहुत सारे मिलियन ऑफ यूजर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल, मान लो किसी की एक रील का साइज़ अगर आप सपोज कि 500 या 600 MB के आसपास है, जैसे कि आज के फ़ोनों में कैमरा होता है, तो अगर आप इंस्टाग्राम अगर आपकी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को अगर वही सेम साइज़ के अंदर अपलोड करना शुरू कर देगा अपने सर्वर पे, अपनी चीज़ों पे, तो यार देखो उसके सर्वर की तो बैंड बच जाएगी। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला कि वो आपकी रील्स को कंप्रेस कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि फ़ोन वाली रील जो बनी होती हैं उनकी कंप्रेशन होने के बाद हो जाती है क्वालिटी एकदम घटिया, और जो आपकी DSLR से रिकॉर्ड होती हैं तो यार देखो उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं, तो अगर वो थोड़ा बहुत कंप्रेशन अगर झेल जाती हैं तो उसके बाद भी उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा कम नहीं होती जितनी कि एक फ़ोन की हो जाती है। तो एक सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न होता है कि हम फ़ोन से जो रील रिकॉर्ड करते हैं उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों आती है, तो वो इसलिए आती है। तो अब बात करते हैं कि आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा परमानेंट मेथड बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम पे रील्स को बहुत ही हाई क्वालिटी के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊँगा, आपको वो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है इंस्टेंटर। बट गाइस, देखो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रिसर्च करके बहुत ही ज़्यादा परमानेंट सॉल्यूशन लेके आता हूँ जो कि आपको मतलब कहते हैं कि आपका डाउट नहीं आएगा इसके बाद बिल्कुल भी। तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है इंस्टेंटर। एंड गाइज, ये बेसिकली इंस्टाग्राम की एक अल्टरनेट एप्लीकेशन है, एंड जो इसका ऑफिशियल लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्रोम पे आ जाना है, देन फिर आप जैसे ही टाइप करेंगे इंस्टेंटर ऑफिशियल dice.me की तरफ से ये इंस्टेंटर एप्लीकेशन है, एंड यहाँ पे आपको इसके सारे फीचर्स वगैरह ये सब चीज़ें देखने मिल जाएंगी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल इंस्टाग्राम है एंड ये आपका अल्टरनेट एप्लीकेशन है। तो आपको इसको बेसिकली अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर अपनी जो आईडी है जिसको आप यूज़ करते हैं एज ए इंस्टाग्राम में, जो भी आपकी आईडी हो, आपको उससे लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी आईडी से लॉगिन कर लिया है। बाय द वे गाइस, ये मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, तो अगर आप मुझे यहाँ पे जाके फॉलो करना चाहते हैं तो आप जाके कर सकते हैं बिकॉज इट्स फ्री। एंड इसका यहाँ पे बेनिफिट क्या बताता हूँ आपको कि देखो हर चीज़ दुनिया में एक मतलब के लिए होती है, एक चीज़ के लिए होती है, मतलब अगर आप कोई रीज़न नहीं है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका फॉलो करने का फ़ायदा ये रहेगा कि मैं आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, एज वेल एज यूट्यूब, कि अगर हम यूट्यूब से कंपेयर करें तो मैं यहाँ पे ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ आपकी DMs वगैरह का। तो आप इसलिए मुझे यहाँ पे आप आके DMs वगैरह कर सकते हैं। और तो गाइस, आप बात करते हैं कि आपको इस वाले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ना ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टेंटर सेटिंग को ओपन करना है। इंस्टेंटर सेटिंग इस ऐप की पर्सनली डेडिकेटेड खुद की सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाना है क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स पे। अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिलेगा 2nd नंबर पे, जिसका कि नाम है इम्प्रूव रील्स क्वालिटी। बस आपका काम यहाँ पे खत्म। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको एनेबल कर देना है। बस अब यहाँ से बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद अब होगा क्या, अब आप अपने इंस्टाग्राम पे जो भी रील डालेंगे, जो भी, चाहे वो हाई साइज़ के अंदर हो चाहे लो साइज़ के अंदर हो, तो वाया सेट इस सेम साइज़ के अंदर आपके इंस्टाग्राम में रील्स के थ्रू अपलोड हो जाएगी। तो अब आपका कंप्रेशन ही खत्म हो गया। मतलब ये एप्लीकेशन इंस्टाग्राम की डिफॉल्ट एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए अलग से बनाई गई। जैसे आपका GB व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप का एक अल्टरनेट एप्लीकेशन, तो आप ऐसी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल व्हाट्सएप पे कभी भी नहीं कर सकते। ऐसी सेम आपका इंस्टेंटर होता है। तो इंस्टेंटर ये कंप्रेशन के जो कंप्रेशन वाला सिस्टम है उसको हटा देता है अपने आप ही। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जैसे अभी हमने ये ऑन किया था ना, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम कंप्रेसेस फोटोज बाय स्क्रीन विथ दिस ऑप्शन डिसेबल दैट रिस्ट्रिक्शन। ऐसी सेम आपका रील्स में होता है, तो रील्स में भी ये सब चीज़ें आपकी ये खत्म कर देता है वाली एप्लीकेशन। तो इसके थ्रू आप अपनी रील्स को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, ये मेथड समझ में आ गया हो पूरी तरीके से। अगर फिर भी आपका कोई डाउट वगैरह रहता है इसके रिगार्डिंग, इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तब आपसे मिलते हैं अपने चेक इन नेक्स्ट, गुड बाय, और अपना ध्यान रखें।